नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मार्जिन ट्रेडिंग के बारे में। इसके बारे में मुझे काफ़ी सारे दर्शकों के सवाल मिलते रहते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मार्जिन ट्रेडिंग क्या होता है, मार्जिन फंडिंग क्या होता है, इससे संबंधित जो कॉमन टर्म्स हैं उनका क्या मतलब है। इसके अलावा दोस्तों काफ़ी दर्शक पूछते हैं कि हम इस पर्टिकुलर ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलें या नहीं खोलें, ये हमें बहुत ज़्यादा मार्जिन दे रहा है, तो आपको क्या ऐसे ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलना चाहिए, मार्जिन ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है, इसके क्या फायदे हैं, इसका क्या नुकसान है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको कुछ और ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी बताऊंगा मार्जिन ट्रेडिंग से संबंधित, जिनके बारे में शायद आपको जानकारी नहीं होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि मार्जिन ट्रेडिंग होता क्या है। दोस्तों मान लीजिए मेरी पॉकेट के अंदर 25,000 रुपए हैं, लेकिन मैं मार्केट से उस 25,000 की सहायता से 3,00,000 तक का सामान खरीद लेता हूं, तो दोस्तों इसी को मार्जिन ट्रेडिंग कहा जाता है। दोस्तों यहां पे अगर इंग्लिश में कहा जाए, You are buying more than what you can afford, मतलब आप उतने का सामान खरीद रहे हैं जितना आप afford नहीं कर सकते। एक layman term में समझा जाए दोस्तों कि ये एक purchasing power को increase कर देती है, मतलब आप कम पैसे से ज्यादा value का सामान खरीद रहे हैं। दोस्तों margin trading का इस्तेमाल या margin funding का इस्तेमाल क्विक मनी के लिए किया जाता है, मतलब आप यहाँ पे काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं अगर आप इसका सही से उपयोग करें। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर आपका ट्रेड गलत पड़ जाता है तो जितना ज़्यादा आप पैसा कमा सकते हैं उतना ज़्यादा पैसा आप गवा भी सकते हैं। तो दोस्तों हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग या मार्जिन फंडिंग के अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान हैं, वो निर्भर करता है कि आप उसका इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो ब्रोकर्स होते हैं वो अपनी पॉकेट से आपको पैसा लेंड करते हैं, मतलब आपको पैसा उधारी देते हैं ताकि आप ज़्यादा वैल्यू के स्टॉक्स खरीद सकें। और दोस्तों यहाँ पे जो भी मार्जिन प्रोवाइड किया जाता है ब्रोकर के द्वारा, अगर आप डिलीवरी सेगमेंट के अंदर मार्जिन की फैसिलिटी को अवेल कर रहे हैं तो वहाँ पे वो जो स्टॉक्स खरीदे जाते हैं वो ब्रोकर के पास एज ए कोलैटरल के तौर पे रहते हैं, मतलब वो ब्रोकर के पास गिरवी रहते हैं। उसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में और विस्तार से बताऊंगा। अब दोस्तों जान लेते हैं कि मिनिमम मार्जिन क्या होता है। दोस्तों मिनिमम मार्जिन होता है कि जब भी आप मार्जिन अकाउंट खुलवाना चाहते हैं किसी ब्रोकर के पास, तो ब्रोकर आपको बोलेगा कि आपको ये जो अकाउंट है ये 1,00,000 रुपए से खुलवाना पड़ेगा, 50,000 से खुलवाना पड़ेगा या 2,00,000 से खुलवाना पड़ेगा। तो दोस्तों वहां पे मार्जिन अकाउंट के लिए एक एक्स अमाउंट आपका ब्रोकर आपको बोलेगा कि आप पहले जमा कराइए, उसको मिनिमम मार्जिन कहते हैं। दोस्तों वो मार्जिन किस लिए रखा जाता है, मान लीजिए आपने कोई ट्रेड लिया लेकिन जो आपने इनिशियल मार्जिन दिया, अगर मान लीजिए आपके ट्रेड के अंदर आपको ज्यादा नुकसान हो जाता है कि आपका इनिशियल मार्जिन भी खत्म हो जाता है, तो उसके बाद जो ब्रोकर है वो मिनिमम मार्जिन का इस्तेमाल करके कुछ पैसा रिकवर कर सकता है ताकि वो अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सके। अगर दोस्तों मिनिमम मार्जिन नहीं रहेगा तो वहां पे कई बार क्या होता है कि एफएनओ स्टॉक्स के अंदर आपको बहुत शार्प मूवमेंट्स देखने को मिलती हैं। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि कोई एफएनओ स्टॉक एक दिन 50-60% भी गिर जाता है। तो दोस्तों जिन लोगों ने उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर ट्रेड लिया हुआ है मार्जिन फंडिंग के सहायता से, तो वहां पे ब्रोकर के लिए बहुत दिक्कत का काम हो जाता है। वहां पे जो नुकसान है दोस्तों ब्रोकर तो उठाएगा नहीं, वो नुकसान तो निवेशक या ट्रेडर को ही उठाना पड़ेगा। तो इसलिए एक मिनिमम मार्जिन आप कह लीजिए कि एक सेफ्टी के तौर पे एक एक्स अमाउंट रखा जाता है, ताकि अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता किसी स्टॉक के अंदर कुछ ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है या अचानक कई बार आप देखेंगे शार्प मूव्स आते हैं जहां पे ट्रेडर्स को संभलने का मौका नहीं मिलता, तो एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी के तौर के ऊपर एक मिनिमम मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी मार्जिन अकाउंट के अंदर, ताकि वहां पे अगर कोई भी ट्रेड गलत चला जाए तो ब्रोकर पोजीशन को स्क्वेयर ऑफ करके अपना कुछ पैसा रिकवर कर सके। दोस्तों उसके बाद जो दूसरी कॉमन टर्म आती है वो होती है इनिशियल मार्जिन। दोस्तों इनिशियल मार्जिन होता है, मान लीजिए आप ट्रेडेड वैल्यू आपकी 3,00,000 रुपए है, तो उसका जो इनिशियल मार्जिन जैसा कि मैंने एग्जांपल के तौर पे कहा 25,000 रुपए हो सकता है, तो वहां पे आपको अगर 3,00,000 के शेयर्स खरीदने हैं तो आपको अपने अकाउंट में 25,000 रुपए तो रखने ही पड़ेंगे, और उस 25,000 को कहा जाएगा इनिशियल मार्जिन। तो दोस्तों यहाँ पे सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए मान लीजिए आपके ब्रोकर ने आपको कहा कि मिनिमम मार्जिन 1,00,000 है, तो अगर आप 3,00,000 के शेयर्स खरीद रहे हैं तो वहां पे उसकी रिक्वायरमेंट जो है मार्जिन की वो 25,000 है, तो यहाँ पे उस ट्रेड को लेने के लिए आपके अकाउंट में कम से कम 1,25,000 रुपए होने चाहिए, तभी आपको ब्रोकर वो ट्रेड एग्जीक्यूट करने देगा। अगर आपकी मार्जिन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती तो आपका जो ऑर्डर है वो रिजेक्ट हो जाएगा।
दोस्तों यहाँ पे एक और टर्म जिसका इस्तेमाल होता है वो होती है मार्जिन कॉल। दोस्तों मार्जिन कॉल होती है कि अगर आपके अकाउंट में मार्जिन मनी जो है वो मिनिमम मार्जिन के थ्रेशोल्ड से नीचे चला जाए, मान लीजिए आपने कोई ट्रेड लिया, वहाँ पे एक शार्प मूवमेंट होती है स्टॉक के अंदर और आपकी जो मार्जिन मनी है, जैसा कि हम एग्जाम्पल जिस एग्जाम्पल की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे अगर मान लीजिए आपका जो मार्जिन है वो 1 लाख से कम चला जाता है, 25,000 रुपये आपने इनिशियल मार्जिन दिया लेकिन वहाँ पे स्टॉक के अंदर एक ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली और अब आपका जो मार्जिन अवेलेबल है आपके अकाउंट में वो केवल 80,000 है, मतलब वो मिनिमम मार्जिन से भी नीचे आ चुका है। तो वहाँ पे दोस्तों एक मार्जिन कॉल ट्रिगर की जाती है जहाँ पे आपको बोला जाएगा कि आप अपने अकाउंट के अंदर मार्जिन को मेंटेन करिए। अगर आप अपने अकाउंट में मार्जिन को मेंटेन नहीं कर पाते तो वहाँ पे ब्रोकर के पास सारी अथॉरिटी होती है, सारे राइट्स होते हैं कि वो आपकी कॉल को या आपके ट्रेड को स्क्वेयर ऑफ कर सकता है। दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मार्जिन के रूल्स हैं वो हर एक ब्रोकर के अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पे मैं इस वीडियो के अंदर आपको जो कॉमन रूल्स हैं या कॉमन जो बातें हैं वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों हो सकता है कि जो बातें मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ ब्रोकर ए के रूल्स कुछ थोड़े से डिफरेंट हों या ब्रोकर बी के रूल्स कुछ थोड़े से और डिफरेंट हों, लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन रूल्स होते हैं मैं उन्हीं की ही बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों आपका ब्रोकर अपने रूल्स खुद बना सकता है, लेकिन नॉर्मली यहां पे ऐसा ही होता है कि एक मिनिमम मार्जिन की रिक्वायरमेंट मांगी जाती है। अगर आपका मार्जिन उससे कम आ जाए, उस थ्रेशोल्ड से कम आ जाए, वहीं पे आपको बोला जाता है कि आप एडिशनल मार्जिन या आप एडिशनल पैसा अपने मार्जिन अकाउंट में डिपॉजिट कराइए, नहीं तो हम आपके ट्रेड को स्क्वेयर ऑफ कर देंगे। तो दोस्तों आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी जो मार्जिन की रिक्वायरमेंट है वो मीट होनी चाहिए। तो काफ़ी दर्शक मुझसे सवाल पूछते हैं कि हमारा ट्रेड कई बार ऑटोमेटिकली स्क्वेयर ऑफ हो जाता है, उसके पीछे क्या कारण है? तो दोस्तों 3 मुख्य कारण होते हैं। पहला कारण ये होता है कि अगर आप अपने अकाउंट के अंदर जो मिनिमम मार्जिन की अगर रिक्वायरमेंट है आपके ब्रोकर की, आप वो मेंटेन नहीं करते तो वहाँ पे ब्रोकर आपके जो ट्रेड है उसको स्क्वेयर ऑफ कर देगा। दोस्तों दूसरा क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए डे के अंदर मार्जिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको अपना ट्रेड एक पर्टिकुलर टाइम तक स्क्वायर ऑफ करना जरूरी होता है। मान लीजिए आपने सेल पोजीशन लिया है तो आपको स्टॉक्स बाय करने पड़ेंगे, अगर आपने बाय पोजीशन ली हुई है तो आपको स्टॉक्स सेल करने पड़ेंगे। नॉर्मली ये जो टाइम होता है दोस्तों वो 3:10 या 3:15 होता है। अगर आप मान लीजिए उस समय तक अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं करते तो वहां पे भी आपके ट्रेड को ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ कर दिया जाएगा। दोस्तों तीसरी कंडीशन क्या होती है कि मान लीजिए आपने कोई ट्रेड इनिशिएट किया इंट्रा डे के दौरान, लेकिन अब आपको लगा कि नहीं मुझे इसकी डिलीवरी लेनी चाहिए और मैं इस स्टॉक को अपनी डिलीवरी में लेके जाऊंगा, मुझे उम्मीद है कि ये स्टॉक और ज़्यादा बढ़ सकता है, तो आप अपने इंट्रा डे ट्रेड को डिलीवरी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो मार्जिन की रिक्वायरमेंट है वो इंट्रा डे के लिए अलग होती है, डिलीवरी के लिए अलग होती है। तो अगर आप किसी भी ट्रेड को इंट्रा डे से डिलीवरी में कन्वर्ट कर देते हैं तो वहां पे जो एडिशनल मार्जिन की जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, वो आपको पूरी करनी पड़ती है, नहीं तो आपका ब्रोकर जो है उसको स्क्वायर ऑफ कर देगा। दोस्तों यहां पे सेम एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई स्टॉक है, वहां पे 25,000 के मार्जिन के बेसिस के ऊपर मैंने वहां पे एक इंट्राडे की बाय पोजीशन ले ली, यहां पे मैंने स्टॉक्स खरीदे 3 लाख की वैल्यू के। तो दोस्तों मुझे बीच में लगा, मान लीजिए मार्केट आवर्स के दौरान लगा कि नहीं मुझे इस स्टॉक की डिलीवरी लेनी चाहिए और मैं अपने इंट्राडे को डिलीवरी के अंदर कन्वर्ट कर देता हूं। अब दोस्तों यहां पे मेरी जो रिक्वायरमेंट है मार्जिन की इंट्राडे के लिए है 25,000, लेकिन हो सकता है कि इक्विटी में अगर मैं डिलीवरी ले रहा हूं उस पर्टिकुलर स्टॉक की, वो मार्जिन रिक्वायरमेंट है 75,000। तो यहां पे क्या होगा कि जब मैं अपनी पोजीशन को इंट्राडे से डिलीवरी में कन्वर्ट करूंगा तो वहां पे मुझे 50,000 एक्स्ट्रा मार्जिन की रिक्वायरमेंट है, तो वो अमाउंट मुझे अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर शिफ्ट करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा। अगर मैं वो नहीं करता तो चाहे मैंने अपनी जो पोजीशन है वो इंट्राडे से डिलीवरी में कन्वर्ट कर दिया है, लेकिन मेरा ब्रोकर मेरी पोजीशन को स्क्वेयर ऑफ कर देगा अगर मैं वहां पे 50,000 रुपए का एडिशनल जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करता। तो 50,000 ट्रांसफर करने के बाद क्या होगा कि मेरे अकाउंट में अब मार्जिन जो है वो 75,000 हो गया, जो कि सफिशियंट है उस पर्टिकुलर स्टॉक की डिलीवरी लेने के लिए, और बाकी का जो पैसा है दोस्तों वो आपका ब्रोकर लैंड करेगा।
आपको। तो दोस्तों जो महत्वपूर्ण बातें जानने वाली हैं वो ये कि आपके ब्रोकर की मार्जिन की पॉलिसी अलग हो सकती है, अलग अलग ब्रोकर्स की अलग अलग पॉलिसी होती है। तो जिस भी ब्रोकर के साथ आपने अपना अकाउंट ओपन किया हुआ है आप वहां पे उनसे चेक कर सकते हैं कि उनकी क्या पॉलिसी है मार्जिन से संबंधित। इसके अलावा दोस्तों जो मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है वो स्टॉक की वॉलेटिलिटी और रिस्क के ऊपर भी निर्भर करती है, लेकिन यहाँ पे निवेशकों को फायदा ये होता है दोस्तों कि उन्होंने जितना पैसा लगाया होता है उनको उससे ज्यादा रिटर्न, मतलब जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए दोस्तों हम सेम एग्जाम्पल लेते हैं, वहां पे मैंने 25,000 का जो मार्जिन के बेसिस के ऊपर 3,00,000 के स्टॉक्स खरीदे, लेकिन दोस्तों वो स्टॉक जो है अब मान लीजिए 10% बढ़ गया, तो वहां पे 3,00,000 के ऊपर मुझे फायदा हुआ 30,000 का। तो अगर टेक्निकली देखा जाए मैंने 25,000 का निवेश किया और मुझे वहां पे 30,000 का फायदा हो गया, तो यहां पे आप अगर देखेंगे कि मेरा रिटर्न कितना है वो 100% से ज्यादा है। तो दोस्तों आपने देखा कि केवल 10% अप मूव की वजह से आपका जो प्रॉफिट हुआ वो 100 गुना से ज्यादा हुआ, मतलब आपका पैसा डबल से ज्यादा हो गया। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है दोस्तों मार्जिन ट्रेडिंग का, लेकिन ये उतना बड़ा नुकसान भी है। अगर मान लीजिए स्टॉक 10% नीचे आ जाता है तो वहां पे आपका जो पूरा मार्जिन है वो खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि यहां पे इसका फायदा भी होता है नुकसान भी होता है, तो इसका इस्तेमाल आप केवल तभी करें जब आप बिल्कुल 100% श्योर हैं किसी ट्रेड के बारे में, आपको बिल्कुल कंफर्म है कि ये स्टॉक उसी दिशा में जाएगा जिस दिशा में आप ट्रेड ले रहे हैं। तो दोस्तों आगे हम चर्चा करेंगे कि मार्जिन कितने प्रकार का होता है, इसके अलावा दोस्तों यहां पे क्या रिस्क होते हैं और कुछ ऐसी बातें जिनके बारे में शायद आपको मालूम नहीं होगा, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं या आपने इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी स्क्रीन पे दिखाए गए सब्सक्राइब ऑप्शन को क्लिक करें ताकि आप फ्री में स्टॉक मार्केट को सीख सकें। जो भी जानकारी जो भी नॉलेज आपको पेड कोर्सेज के अंदर 50-60 हज़ार या 1,00,000 रुपये की फीस लेके सिखाई जाती है उससे 100 गुना बेहतरीन जानकारी आपको इस चैनल के ऊपर फ्री में मिलेगी। तो आप इस चैनल को अभी ज़रूर सब्सक्राइब करिए, आप नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा के भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसके साथ दिखाए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। तो दोस्तों अब जान लेते हैं कि मार्जिन कितने प्रकार का होता है। दोस्तों यहां पे दो प्रकार का मार्जिन होता है जिसके बारे में शायद ज्यादा लोगों को नहीं मालूम होता। पहला होता है दोस्तों इंट्राडे के लिए मार्जिन, दूसरा होता है डिलीवरी के लिए मार्जिन। दोस्तों यहां पे जो इंट्राडे के लिए मार्जिन होता है उसके अंदर भी दो अलग अलग कैटेगरी होती है। पहली मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है जहां पे आप कोई भी स्टॉप लॉस नहीं लगाते। एक दूसरी रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों जहां पे ज्यादा मार्जिन प्रोवाइड किया जाता है वो उस केस में जहां पे आप कवर ऑर्डर या ब्रैकेट ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। तो दोस्तों एग्जांपल के तौर पे एक ब्रोकर आपको इंट्राडे के लिए केवल 8 टाइम का मार्जिन दे रहा है, 8 टाइम्स का मार्जिन दे रहा है, लेकिन वही ब्रोकर आपको शायद 30 टाइम्स का मार्जिन दे अगर आप उस ट्रेड को कवर ऑर्डर या ब्रैकेट ऑर्डर के तौर पे प्लेस करें। लेकिन दोस्तों पर्सनली मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करता कि आप कवर ऑर्डर या ब्रैकेट ऑर्डर प्लेस करें, केवल मार्जिन ज़्यादा मिल रहा है इसलिए अगर आप कवर ऑर्डर या ब्रैकेट ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो मैं आपसे केवल अनुरोध करूंगा कि आप इसके बारे में दोबारा सोचिए, क्योंकि जब भी आप कवर ऑर्डर या ब्रैकेट ऑर्डर प्लेस करते हैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है दोस्तों वहां पे स्टॉप लॉस जरूर हिट होता है। इसके पीछे क्या कारण है हम इस चैनल के ऊपर बहुत बार इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, तो यहां पे लेकिन जो पॉइंट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका जो मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है या जो मार्जिन आपको आपका ब्रोकर देता है वो अलग होता है अगर आप कोई स्टॉप लॉस नहीं प्लेस कर रहे, लेकिन अगर आप किसी भी ट्रेड को एज ए कवर ऑर्डर या ब्रैकेट ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो वहां पे आपको आपका ब्रोकर ज्यादा मार्जिन देगा। लेकिन यहां सोचने वाली बात यह है कि ब्रोकर ऐसा क्यों कर रहा है, इससे क्या फर्क पड़ रहा है कि मैं इंट्राडे में स्टॉप लॉस नहीं लगा रहा, अगर मैं कवर ऑर्डर या ब्रैकेट ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं इससे ब्रोकर को क्या फायदा है कि वो वहां पे ज्यादा मार्जिन दे रहा है। तो दोस्तों इसके बारे में मैंने बहुत जानने की कोशिश करी लेकिन जो कारण मुझे समझ में आया वो मैं आपके साथ ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर शेयर कर चुका हूं। अगर आप किसी और कारण को जानते हैं तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता सकते हैं। तो दोस्तों इंट्राडे के अंदर आप जब भी ट्रेड लेते हैं मार्जिन यूज करते हैं वहां पे आपको वो ट्रेड 3:10 या 3:15 से पहले क्लोज करना होता है जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, अगर आप अपने ट्रेड
ट्रेड को सही समय पे क्लोज नहीं करते और आपका ब्रोकर आपके बिहाफ पे आपके ट्रेड को क्लोज करता है तो वहां पे एडिशनल चार्जेस लग सकते हैं। इसलिए अगर आप मार्जिन यूज कर रहे हैं, इंट्राडे में मार्जिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो भी आपके ब्रोकर ने आपको टाइम दिया हुआ है 3:10 का या 3:15 का, आप उससे पहले अपना ट्रेड जरूर क्लोज कर दीजिए। अगर आपका ब्रोकर आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ करेगा तो वहां पे आपको एक एडिशनल अमाउंट पे करना पड़ सकता है। दोस्तों उसके बाद दूसरे प्रकार का मार्जिन आता है डिलीवरी मार्जिन। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, नॉर्मली ये जो डिलीवरी मार्जिन होता है वो 25% होता है पूरी ट्रेडेड वैल्यू का। तो जैसा कि हम एक एग्जांपल के द्वारा समझ रहे थे कि अगर आपने 3,00,000 के शेयर्स खरीदे तो वहां पे मार्जिन की रिक्वायरमेंट होगी 75,000 रुपए। तो दोस्तों यहां पे अगर आप कोई डिलीवरी बेस्ड मार्जिन यूज कर रहे हैं तो वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि वहां मार्जिन की रिक्वायरमेंट क्या है। काफी दर्शक कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आपकी ब्रोकर की साइट के ऊपर हो सकता है इंट्राडे के लिए एक अलग यूआरएल हो और डिलीवरी बेस मार्जिन रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट करने के लिए एक अलग यूआरएल हो। लेकिन दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात कि यहां पे काफी सारे जो ब्रोकर्स हैं वो डिलीवरी बेस मार्जिन नहीं प्रोवाइड करते, केवल वही ब्रोकर्स प्रोवाइड करते हैं जिनका किसी एनबीएफसी के साथ टाई अप होता है। तो यहां पे एग्जांपल के तौर पे जब मैं कोटेक सिक्योरिटीज का देख रहा था तो मैंने देखा कि वो लोग डिलीवरी बेस मार्जिन प्रोवाइड करते हैं। और यहां पे डिस्क्लेमर ये है दोस्तों, यहां पे ये बात बोलने के लिए मुझे कोई पैसे नहीं मिले, मैं आपको केवल एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं क्योंकि हो सकता है आप अपनी ब्रोकर की साइट पे चेक करें कि अगर हमें डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग के लिए मार्जिन चाहिए तो हम क्या करें, तो हो सकता है आपको उसके बारे में कोई जानकारी ना मिले। इसलिए मैंने जैसे शुरुआत में भी बताया कि मार्जिन के जो रूल्स हैं दोस्तों वो हर एक ब्रोकर के अलग अलग होते हैं। कुछ ब्रोकर डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग के लिए मार्जिन देते हैं, कुछ ब्रोकर्स नहीं देते, तो आपको अपने ब्रोकर के साथ चेक करना पड़ेगा। तो यहां पे होता क्या है, अगर आपने मान लीजिए डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग करी, आपका मार्जिन की रिक्वायरमेंट है 75,000, आपने 3,00,000 रुपए के शेयर खरीद लिए, तो यहां पे क्या होगा कि जो बाकी के पैसे हैं, जो बाकी के 2,25,000 रुपए हैं, वो आपका ब्रोकर पे करेगा आपके बिहाफ पे। लेकिन आप कहेंगे कि भी ब्रोकर कैसे पे कर रहा है, एक्चुअली यहां पे ब्रोकर नहीं पे कर रहा, जो एनबीएफसी जिसके साथ ब्रोकर का टाई अप है वो आपको एक किस्म का लोन दे रहा है 2,25,000 का, जिसके ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाता है। तो ये इंटरेस्ट रेट कितना होता है ये आप अपने ब्रोकर से चेक कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए समझना जरूरी है कि आप 2,25,000 रुपए उधार लेके निवेश कर रहे हैं, और दोस्तों निवेश करने के लिए उधार उठाना ये बिल्कुल भी समझदारी नहीं है मेरे हिसाब से। इसके बारे में मैं आपको पहले वाले वीडियोस में भी बता चुका हूं कि आप कभी भी पैसा उधार लेके निवेश ना करें, लेकिन ये आपकी पर्सनल चॉइस है, यहां पे मेरा काम आपको केवल सचेत करना है। तो दोस्तों जब भी आप ये स्टॉक्स अगर मान लीजिए डिलीवरी के अंदर मार्जिन बेसिस पे लेते हैं तो वहां पे जब भी आप इन स्टॉक्स को सेल करेंगे तो आपकी जो मार्जिन फंडिंग की पोजीशन है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। मतलब वो अमाउंट जो भी मिलेगा उन शेयर्स को सेल करने पे, वो उसके अंदर आपने जितना भी मार्जिन लिया हुआ है वो ऑटोमेटिकली उस एनबीएफसी के पास चला जाएगा, आपकी पोजीशन ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। तो दोस्तों अब चर्चा कर लेते हैं कुछ रिस्क पॉइंट्स की। दोस्तों यहां पे सबसे पहले आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर आप मार्जिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका जो प्रॉफिट और लॉस है वो उसी प्रोपोर्शन में होगा। लेकिन आपको जो कैलकुलेट करना है आपके माइंड में प्रॉफिट और लॉस, या अगर आप ये समझना चाहते हैं कि इस समय आपका कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है, वो आपका ब्रोकर आपकी स्क्रीन पे तो दिखाएगा लेकिन आपको ये पहले ही मालूम होना चाहिए। दोस्तों जब भी आप मार्जिन का यूज करें वहां पे स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि मैंने बताया कि 25,000 रुपए के मार्जिन के ऊपर मैंने 3,00,000 के शेयर्स खरीदे, अब मुझे ये नहीं देखना दोस्तों कि स्टॉक का प्राइस कितना जाना चाहिए। वहां पे स्टॉक का प्राइस जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि अगर 10% नीचे चला जाता है तो वहां पे मेरा पूरा मार्जिन भी खत्म हो जाएगा और जो मिनिमम मार्जिन है उसमें से भी 5,000 रुपए चले जाएंगे। तो दोस्तों यहां पे मुझे अपना जो स्टॉप लॉस रखना है वो मैंने जितना अमाउंट निवेश किया है उसके हिसाब से रखना है। तो यहां पे मैंने 25,000 निवेश किया है तो इस ट्रेड के अंदर मैं 25,000 के अंदर कितना लॉस उठा सकता हूं, शायद 5,000 या 10,000। तो मुझे अपना स्टॉप लॉस अपने मार्जिन के हिसाब से रखना है, ना कि स्टॉक की वैल्यू के हिसाब से। तो आप इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए, स्टॉप लॉस जरूर लगाइए और स्टॉप लॉस जो कैलकुलेट करें वो अपने निवेश के ऊपर कैलकुलेट करिए, ना कि स्टॉक की वैल्यू के हिसाब से, क्योंकि वहां पे आपको धोखा होने की संभावना हो सकती है। दोस्तों यहां पे दूसरा क्या है कि आपके जो टारगेट हैं वो भी बिल्कुल स्ट्रिक्टली डिफाइंड होने चाहिए। आप अपना प्रॉफिट जरूर बुक करिए क्योंकि आपको जो मार्जिन मिला है, अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं आपको अपनी पोजीशन 3:15 बजे तक स्क्वायर ऑफ करनी है, तो जैसे ही आपको
प्रॉफिट मिले जितना प्रॉफिट आप चाहते हैं, तो वहां पे आप उस पोजीशन से निकल जाइए, क्योंकि ऐसा ना हो कि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी फिर बढ़े 2:30 बजे के बाद और वहां पे आपका जो प्रॉफिट है वो खत्म हो जाए। क्योंकि दोस्तों इंट्राडे के अंदर जैसा कि आप जानते हैं ये पूरा एक दिन का खेल है, तो अगर आप मार्जिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको अपना स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट जो है वो बहुत क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे आपके नुकसान होने की संभावना हो सकती है। दोस्तों तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आप अपने ब्रोकर के ऊपर बिल्कुल भी निर्भर ना रहें। अगर आप मार्जिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अपने ट्रेड को खुद ही इनिशिएट करिए और खुद ही आप अपने ट्रेड को क्लोज करिए। यहाँ पे काफी दर्शकों के मुझे कमेंट्स मिलते हैं कि वो उनको नुकसान केवल अपने ब्रोकर की वजह से ही होता है। तो दोस्तों उनका ब्रोकर उनको कॉल करता है, कई बार उसमें डिले हो जाता है, कई बार ब्रोकर भूल जाता है स्क्वायर ऑफ करना, या कई बार आपकी इंस्ट्रक्शन वो नहीं फुलफिल करता। तो यहाँ पे बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, आप अपने ब्रोकर के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत हाई रिस्क ट्रेडिंग होती है। अगर आप मार्जिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका रिस्क बहुत ज़्यादा हाई है। दोस्तों यहाँ पे चौथा सबसे बड़ा रिस्क होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस के स्टॉक, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था। उनके अंदर कोई भी अपर सर्किट या लोअर सर्किट नहीं होता। काफ़ी दर्शक मुझसे पूछते हैं कि भी ये स्टॉक 50% गिर गया, 40% गिर गया, 30% गिर गया, इसके अंदर लोअर सर्किट क्यों नहीं लगा। वो अलग बात है, अगर वो ऊपर चला जाए तो हमें बहुत खुशी होती है अगर हमने बाई पोजीशन ली हुई है। लेकिन अगर आपने मान लीजिए शॉर्ट पोजीशन ली है और वो स्टॉक मान लीजिए 30% ऊपर चला जाता है तो वहाँ पर भी आपका नुकसान है। तो दोस्तों यहाँ पर जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के स्टॉक्स होते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनके अंदर कोई भी सर्किट लिमिट नहीं होती। ये स्टॉक दिन में 80% भी गिर सकते हैं, 80% भी बढ़ सकते हैं। तो अगर आप मार्जिन का इस्तेमाल कर रहे हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस के स्टॉक में, आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे जो निवेशक हैं या ट्रेडर हैं उनका सबसे ज्यादा नुकसान फ्यूचर एंड ऑप्शन के स्टॉक्स में ही होता है। अगर उन स्टॉक्स के अंदर बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी हो जाए या कोई एक अच्छी खबर आ जाए या कोई बुरी खबर आ जाए, डिपेंडिंग ऑन कि आपने वहां पे किस तरह की पोजीशन ली हुई है। तो अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन के स्टॉक्स के अंदर मार्जिन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको वहां पे बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, बहुत सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे आपको एक तरीके का ऑलमोस्ट 100% लॉस भी हो सकता है। तो काफी लोग जो आपको कमेंट के अंदर देखा होगा या कई फोरम्स पे आपने पढ़ा होगा जहां पे लोग कहते हैं कि हमारा 100% निवेश चला गया, तो दोस्तों वो यही कारण होते हैं कि उन्होंने मार्जिन यूज किया होता है और उनका पूरा मार्जिन साफ हो जाता है अगर एक स्टॉक के अंदर एक शार्प मूवमेंट देखने को मिले। दोस्तों यहाँ पे पांचवें नंबर का जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि आपको मार्जिन फंडिंग की जो कॉस्ट है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे कई तरह की कॉस्ट इन्वॉल्व होती है जिसके बारे में आपका ब्रोकर हो सकता है आपको पूरी तरह जानकारी ना दे। इंटरेस्ट रेट एक कॉस्ट है, इसके अलावा कुछ ब्रोकर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी ऐड करते हैं और कई और प्रकार की कॉस्ट होती है। तो आपको टोटल देखना पड़ेगा कि अगर आप मार्जिन फंडिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पे आपकी मार्जिन फंडिंग की कॉस्ट कितनी है। तो मान लीजिए अगर मैं इक्विटी के अंदर मार्जिन फंडिंग का इस्तेमाल कर रहा हूं, मैंने वहां पे 75,000 रुपए दे के 3,00,000 का ट्रेड तो ले लिया, लेकिन मान लीजिए अगर मेरी फंडिंग की कॉस्ट ही 10,000 रुपए है तो वो 10,000 मेरे मुनाफे में से कम हो जाएंगे। इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि मार्जिन फंडिंग की कॉस्ट क्या है। तो दोस्तों ये जो मार्जिन फंडिंग की कॉस्ट है अलग अलग ब्रोकर की अलग अलग होती है, आप सबसे चेक करिए। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, एक कॉमन सवाल जो मुझसे पूछा जाता है कि ये ब्रोकर सबसे ज्यादा मुझे मार्जिन दे रहा है, क्या मुझे इसके पास अपना अकाउंट खोलना चाहिए। दोस्तों खोलने से पहले आप मार्जिन फंडिंग कॉस्ट के बारे में जरूर जान लीजिए। दोस्तों मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जो ब्रोकर सबसे ज्यादा मार्जिन देता है उसकी मार्जिन की फंडिंग कॉस्ट भी सबसे ज्यादा हाई होती है। तो आपको एक बैलेंस बिठाना पड़ेगा कि कौन सा ब्रोकर आपके लिए फिट है जहां पे आपकी मार्जिन फंडिंग की कॉस्ट भी कम हो और आपको जो मार्जिन की रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो जाए। केवल इसी बेसिस के ऊपर कि एक ब्रोकर सबसे ज्यादा मार्जिन दे रहा है मैं वहां पे अकाउंट खोलूंगा, ये एक तरीका नहीं है किसी भी ट्रेडिंग या डीमैट अकाउंट को खोलने का। आपको यहां पे सारी कॉस्ट को देखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ब्रोकर के हिसाब से तो ये बेनिफिशियल है कि आप जितना ज्यादा मार्जिन लेंगे उनकी उतनी ज्यादा कमाई होगी, एक तरीके से वो लेंड कर रहे हैं आपको पैसा। तो दोस्तों इस चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखिए, जो भी ब्रोकर जिसके साथ उनका एनबीएफसी के साथ टाइप है वो कितना इंटरेस्ट पे आपको पैसा दे रहा है मार्जिन की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, तो ये सब बातें आपके लिए जानना जरूरी है। यहां पर हो सकता है दोस्तों
दोस्तों कुछ ब्रोकर्स ऐसे भी हैं जो कि अपनी सिस्टर कंसर्न के द्वारा आपको मार्जिन की रिक्वायरमेंट पूरी करके देते हो, इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे उनका इंटरेस्ट रेट कम होगा। तो ये सब बातों को जान के ही आप अपना ट्रेडिंग या डीमैट अकाउंट ओपन कराएं। तो दोस्तों अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कहा कि मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मार्जिन सभी स्टॉक्स के ऊपर नहीं दिया जाता। यहां पे मार्जिन केवल कुछ स्टॉक्स के ऊपर ही दिया जाता है। हो सकता है आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हो, उसके ऊपर आपका ब्रोकर आपको कोई भी मार्जिन ना दे, पर यह भी संभव है दोस्तों कि कोई दूसरा ब्रोकर उस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर मार्जिन दे रहा हो। तो ये जो रूल्स हैं दोस्तों ये अलग अलग होते हैं हर एक ब्रोकर के, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के मध्य में बताया। दोस्तों दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट कि हर एक स्टॉक की मार्जिन रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, ये निर्भर करती है वॉलेटिलिटी और रिस्क के ऊपर। और दोस्तों दो अलग अलग ब्रोकर के पास भी अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक है उसकी मार्जिन रिक्वायरमेंट हो सकता है अलग अलग हो। तो आपको ये जानना जरूरी है, आप एक थंब रूल लेके नहीं चल सकते कि मुझे इस स्टॉक के अंदर इतना मार्जिन मिला था तो दूसरे स्टॉक के अंदर भी मुझे उतना मार्जिन मिलना चाहिए। दोस्तों तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि कुछ दर्शकों ने मुझसे क्वेरी के द्वारा भी पूछा कि भाई जिस स्टॉक के अंदर हमने पोजीशन ली थी अब उसके अंदर मुझे 15-20% का गेन हो रहा है, क्या मैं अब ज्यादा मार्जिन मांग सकता हूं अपने ब्रोकर से या ज्यादा मार्जिन अवेल कर सकता हूं? जी नहीं, आप बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर किसी स्टॉक के प्राइस में एप्रिसिएशन होती है तो दोस्तों मान लीजिए आपने किसी स्टॉक में बाय पोजीशन ली हुई है, आपने उसकी डिलीवरी ली हुई है, वो स्टॉक 10% या 20% बढ़ चुका है, तो आप अपने ब्रोकर के पास जाके ये नहीं कह सकते कि आप मुझे एडिशनल मार्जिन दीजिए क्योंकि मेरा जो स्टॉक है वो अब एक मुनाफे में है। दोस्तों मार्जिन की रिक्वायरमेंट फिक्स हो जाती है जिस समय आप ट्रेड लेते हैं, उसके बाद अगर वो स्टॉक ऊपर भी चला जाता है, डबल भी हो जाता है, तो वहां पे आपको मार्जिन का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। दोस्तों यहां पे चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट कि शॉर्ट सेलिंग के लिए कुछ ब्रोकर्स आपको मार्जिन नहीं देंगे। कुछ ब्रोकर्स देते हैं लेकिन कुछ ब्रोकर्स नहीं देते, आपको ये चेक करना जरूरी है अगर आप किसी भी ब्रोकर के पास अपना अकाउंट खुलवा रहे हैं कि क्या वो शॉर्ट सेलिंग के लिए मार्जिन देते हैं या नहीं देते। तो दोस्तों अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं तो वहां पे ब्रोकर्स आपको मार्जिन देंगे, लेकिन अगर आप सोचे कि हम डेरिवेटिव सेगमेंट के अंदर या फ्यूचर्स के अंदर हम शॉर्ट सेल करना चाहते हैं क्या हमें वहां पे मार्जिन मिलेगा? जी नहीं दोस्तों, आपको मार्जिन नहीं मिलेगा। दोस्तों हो सकता है कोई एक आधा ब्रोकर हो जो इस तरह का मार्जिन प्रोवाइड कर रहा हो, पर जो मेरी नॉलेज है दोस्तों उसके हिसाब से कोई भी ब्रोकर आपको शॉर्ट सेलिंग के लिए, फ्यूचर्स के अंदर शॉर्ट सेलिंग के लिए मार्जिन नहीं देता। दोस्तों यहां पे चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेरिवेटिव सेगमेंट के अंदर काफी सारे ब्रोकर्स जो है वो मार्जिन ट्रेडिंग अलाउ नहीं करते। इसके अलावा दोस्तों शॉर्ट सेलिंग के लिए भी मार्जिन नहीं दिया जाता। शॉर्ट सेलिंग के लिए मार्जिन केवल इंट्राडे के अंदर संभव है, लेकिन फ्यूचर्स के अंदर शॉर्ट सेलिंग के लिए मार्जिन नहीं दिया जाता, डेरिवेटिव सेगमेंट के अंदर मार्जिन नहीं दिया जाता। लेकिन हो सकता है कुछ ब्रोकर इस तरह की फैसिलिटी दे रहे हों, लेकिन मेरी नॉलेज में दोस्तों मैंने जितने भी ब्रोकर्स को चेक किया है, क्योंकि बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं वो आपको डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए मार्जिन नहीं देंगे, शॉर्ट सेलिंग के लिए मार्जिन नहीं देंगे फ्यूचर सेगमेंट में। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। तो आप जैसा कि मैंने बताया कि हर एक ब्रोकर का अलग अलग रूल होता है, हो सकता है कुछ ब्रोकर्स हों जो डेरिवेटिव्स के लिए भी मार्जिन दे रहे हो, शॉर्ट सेलिंग के लिए भी मार्जिन दे रहे हो फ्यूचर्स में, पर दोस्तों मेरी नॉलेज में ऐसा कोई भी ब्रोकर नहीं है। अगर आपको किसी ऐसे ब्रोकर के बारे में मालूम है तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा ताकि मैं आने वाले वीडियोस में उस जानकारी को अपडेट कर सकूं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल या व्हाट्सएप ग्रुप्स पे जरूर शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें, वो भी फ्री में स्टॉक मार्केट के बारे में सीख सकें। दोस्तों इस वीडियो का विषय यदि आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो के नीचे दिखाए गए लाइक आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि मुझे पता लगता रहता है कि आपको कौन से विषयों के ऊपर वीडियोस देखने पसंद है और कौन से विषयों के ऊपर आपको वीडियोस पसंद नहीं आते। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक नॉलेज और लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है। यहां पे मेरी आपको किसी भी तरह से कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक में किसी भी तरह की कोई पोजीशन ले, बाय सेल या होल्ड की, या आप मार्जिन फंडिंग का इस्तेमाल करें अपने ब्रोकर के द्वारा, क्योंकि ये काफी रिस्की हो सकती है। दोस्तों किसी भी निवेश के निर्णय से पहले आप अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। अगर आप मार्जिन फंडिंग का इस्तेमाल करना चाहते हैं तब भी आप उनकी सलाह जरूर ले लें, केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किसी तरह के निवेश का या मार्जिन फंडिंग का निर्णय लें। दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।